Hey guys, good evening. This is Simran and welcome back to my YouTube channel Glamour. पीछे बहुत सारा मैस दिख रहा होगा आपको, ट्रॉली बैग्स पड़े हैं, बहुत सारा सामान पड़ा है. ये है व्लॉग 2. मेरे भैया की शादी होने वाली है एक वीक बाद और अभी मैं हूँ अपने होम टाउन में. मैं अपने घर आ गई हूँ. सारी चीज़ें बस यूं ही पड़ी हुई हैं, हम लोग पैकिंग कर रहे हैं और आज शाम को 7 बजे हमें निकलना है. बस टाइम होने ही वाला है एंड वी हैव टू लीव फॉर पिपरिया. सो मैंने सोचा थोड़ा सा इंट्रो कर लेती हूँ अभी, देन वी विल रीच पिपरिया. आई थिंक हम रात को पहुँच जाएंगे, वहाँ 1.5 घंटा लगता है पहुँचने में. उसके बाद वहाँ जाके डिनर करेंगे, फिर बहुत सारी प्रिपरेशंस करेंगे, संगीत डांस की प्रैक्टिस करनी है, बहुत कुछ है. अभी मैं बिल्कुल बेयर फेस हूँ, मैंने कोई मेकअप अप्लाई नहीं किया है, मैं करने भी नहीं वाली हूँ. मुझे जस्ट अपने हेयर स्ट्रेट करने हैं ताकि बाद में ना करना पड़े, बहुत मेहनत लगती है उसमें. तो फटाफट से मैं वो कर लेती हूँ और मैं थोड़ा सा रेडी हो जाती हूँ, बाल बाल सेट कर लेती हूँ, बाकी आई एम डन. थोड़ा लिप बाम अप्लाई कर लूँगी, कुछ ज़्यादा नहीं करना है. नाउ लेट मी शो यू माई बैग जो कि फुल हो गया है, फुल, बिल्कुल फुल. उसमें जगह नहीं बची है सामान रखने के लिए, बट स्टिल वी आर ट्राइंग टू फिगर इट आउट. बहुत सारा सामान हो गया है. सो दिस इज हैशटैग भाई की शादी व्लॉग 2. वेलकम टू माई भाई शादी एंड दैट इज हैशटैग सुव्या. मेरे भैया का नाम है सुमित एंड मैं भाभी का नाम है दिव्या, तो उसका जो एक नाम बनता है दैट इज सुव्या. और सुव्या की शादी में आप सबका बहुत 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 तहे दिल से स्वागत है. आपको ले चलने वाली हूँ सारी शादी की प्रिपरेशंस में, फंक्शंस में. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा. सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड. ये वाला एक थैला है, इसमें मैंने मेरा सिर्फ रेड वाला लहंगा रखा है और ईयरफोन्स रखे हैं. ये मुझे ऊपर काम आने वाले हैं ये, क्योंकि इसमें ना बहुत बड़ा कैन लगा है तो ये फोल्ड होके बैग में नहीं आ रहा है, तो मैंने इसे अपने ये वाले बैग में रख लिया है. एंड यहाँ पे है मेरा ट्रॉली बैग, यू कैन सी. ये इतना हैवी हो चुका है ना, इतने सारे क्लॉथ्स हैं यहाँ. सारा कुछ मम्मी ने आयरन कर दिया है और एक एक चीज़ सेट कर दी है. ये बैग इतना ठूसा हुआ है ना, मैंने इतना ठूसा हुआ है, कैन नॉट टेल यू. ये सारे कपड़े यहाँ मम्मी ने आयरन किए हैं. लुक, यहाँ पे कुर्ते वगैरह रखे हैं, नीचे ड्रेसेस रखी हैं, ये मेरे 2-3 काफ़ी सारे ज्वेलरी के बॉक्सेस रखे हुए हैं एंड यहाँ रखा है ये वाला मेकअप का बॉक्स है. ताला है फॉर सेफ्टी पर्पज़. और यहाँ पे है बहुत सारी चीज़ें मेरे, ये सिर्फ रिंग्स हैं, ये सिर्फ कंगन है, यहाँ चूड़ियाँ हैं, ये हैंडबैग है, ये सिर्फ हेयर एसेसरीज हैं. और ये फुल भरा हुआ है, इतना फूला हुआ है ऊपर से, ऊपर भी बहुत सारे कपड़े, अंदर भी बहुत सारे कपड़े हैं. ये बहुत ही बड़ा ट्रॉली बैग है, बहुत बड़ा ट्रॉली बैग है, बट स्टिल ये पूरा फुल हो गया है. एंड लुक, ये एक सामान है, यहाँ पे पापा के कपड़े पड़े हुए हैं. एक ये वाला ब्लू ट्रॉली बैग है, ये भी पूरा फुल है. ये वाला बैग एक्चुअली, ये वाला बैग मेरा है, ये वाला बैग पापा मम्मी का है, ये वाला बैग अनमोल का है, ये वाला मेरा बैग है. इसमें सारी मेरी एक्सेसरीज और कैमरा, यहाँ पे कर्लर, हेयर स्ट्रेटनर, बहुत सारा मैस हो रहा है, आई एम सॉरी गाइस, बहुत ज़्यादा चीज़ें फैली हुई हैं. ये कुछ कपड़े हैं एंड यहाँ पे भी सारे कपड़े 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 हैं. यहाँ पे कपड़े पड़े हुए हैं, इनको ठीक करना है. ये एक ज्वेलरी का बॉक्स यहाँ पड़ा हुआ है. सो हम अब बस प्रिपरेशंस कर रहे हैं. मैंने तो अपना बैग ऑलमोस्ट पैक कर लिया है, एक दो फुटवेयर्स बचे हैं और अब हमें बस निकलना है. आई थिंक टाइम भी हो गया है. सो अब मैं आपको मिलूंगी रास्ते में, हम थोड़ी चिटचैट करेंगे एंड देन आई विल सी यू इन पिपरिया. दीदी बस आ गया. वो वाला कांच उस तरफ का देखो, लगा है कि नहीं लगा. हाँ
साइड में करना उनको। हाँ कर दे, साइड में कर देना। तुम तैयारी है भैया? भैया की एंट्री का साउंड डिसाइड किया क्या? नहीं, उससे डिस्कस करके करना है। अच्छा, फाइनलाइज करना है, सिलेक्ट कर लिया है उसमें से एक या दो फाइनलाइज करना। और अपना ग्रुप डांस के? हाँ, ग्रुप डांस के होगा, मैं वही लिख रही हूँ। अच्छा, और आपका सोलो? हाँ, वो भी हो गया। और ये जो बड़ी मम्मी, मम्मी बड़ी मंझली, हाँ, मम्मी, इनका भी हो गया। इनका वो लिया है क्या, ये रिश्ता क्या कहलाता है वाला सॉन्ग? हाँ, दिल से बंधी एक डोर जो दिल तक जाती है। फिर आई शुभ बड़ी मारे। अच्छा ठीक है, वो सीरियल का नहीं है शायद, वो बचता था उसमें, लेकिन वो मूवी का है। अच्छा, करने का सोच रहे हैं। अभी हम सिर्फ प्लान कर रहे हैं ना, अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ। फिर भी कैसा? तो ये सारे ब्लॉग्स बाद आएंगे शादी के 10 दिन बाद। हम भैया की लाइफ स्टोरी दिखाने का प्लान कर रहे हैं। हाँ, उसके बाद से लेके प्रेजेंट तक उसकी जो भी लाइफ जर्नी रही है, जो मेजर मेजर जो कुछ भी इंसिडेंट्स हैं, फेलियर, सक्सेस, एवरीथिंग, ये उसके लिए भी सरप्राइज है। हां, अपन लोग तो सो रहे हैं, सुबह लेट उठना है, अपन को भी थोड़ा लेट नाइट जगना पड़ेगा। लेट नाइट क्या होता है, मम्मी पापा डिस्टर्ब होते हैं, उनकी नींद नहीं होती। ऊपर जा कर सकते हैं ना, अपना तो कर ही सकते हैं, तुम लोग ऊपर सब कुछ हो गया, ऊपर कर लेना, अपन अपना तो कर ही सकते हैं, ऊपर जा सकते हैं। अच्छा, मुझे बस एक चीज और जाननी है, कौन कौन से गाने हो गए हैं एक बार वो नहीं हो पाएगा, हम कुछ असंभव ही कर रहे हैं। एक डांस करना है दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड छोड़ जा रहे, पूरी शादी का अचीवमेंट यही है कि हमने ये परफॉर्म कर रहे हैं।
तो तुम कुछ भी समझ सकती हो, तो ये ऐसे ही खत्म हो जाए। मतलब अपन फ्यूचर भी बता रहा है। हां उसमें पूरे पास से पूरा गाइड की बात सुनी थी। पता नहीं अरे आदि की बात तो सब एक मिनट में आने वाला है। Hey everyone, so this is day 2 when I am in Piparia और बाहर सब लोग डिस्कस कर रहे हैं। मैं आपने क्लिप्स देख ली होंगी, बहुत सारा डिस्कशन चल रहा है। एक स्पेशल परफॉर्मेंस है भैया के लिए, उसके लिए डिस्कशन चल रहा है अभी। तो देखते हैं कौन कौन से सॉन्ग सिलेक्ट हो सकते हैं। उसमें हम बेसिकली लाइफ जर्नी दिखाने वाले हैं भैया की, कि छोटे से लेके बड़े तक उनकी क्या क्या इंसिडेंट्स रहे, उनकी लाइफ में क्या क्या अचीवमेंट्स रहे, सारा कुछ हम दिखाएंगे। और खाना पीना हो गया है, बड़ी मम्मी बड़े पापा भी अपना अपना सब लोग रेस्ट कर रहे हैं या काम कर रहे हैं, और बच्चा पार्टी भी अभी कुछ ना कुछ कर रही है। आज हमें 2-3 काम है। हम जा रहे हैं पार्लर की बुकिंग के लिए। एक्चुअली बुकिंग पहले हमने दूसरी डेट की कराई थी, फिर शादी भी इस डेट में है तो हमें वो काम करना है नेक्स्ट। फिर शाम को कोरियोग्राफर आ जाएगी तो फिर हमें डांस सीखना है। तो आज ये 2 बेसिक काम है, हम ये सारा करने वाले हैं। बाकी मुझे फुटेज वगैरह एडिटिंग करनी है तो वो सारा मैं कर लूँगी। एंड चलिए चलते हैं अंदर। बड़ी मम्मी प्रैक्टिस कर रही है। यार कोई है भाई, खड़ा कर रूम में, उठा के ले आए सब जगह।
पापा हाँ ¡Gracias!
मुझे।